हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जेके पी सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड। तो सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड आज हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे फिजिकल वगैरह के लिए। फिजिकल की इन्फॉर्मेशन, फिजिकल की जो अपडेट्स आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, एंड देन आपको थोड़ा कट ऑफ के बारे में रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे देंगे, और साथ में आपको क्लास फोर्थ की भी अपडेट देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसको भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो मेनली रहेगी JKPSI के रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बता दें जो आपका फिजिकल कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियली जो नोटिफाई किया था JKSSB ने, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो JKSSB ने जब JKPSI की लिस्ट निकाली थी तो उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए थे वो हाइट, चेस्ट, और एक बार आपको फिर से बता दें कि 5 फीट 6 इंच जो इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और वही फीमेल के लिए 5:2 रखी है फीमेल्स के लिए। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गोरखा कम्युनिटी, इसमें 2 इंच की रिलैक्सेशन होगी गोरखा कम्युनिटी को। ये थी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और चेस्ट के लिए आपको बता दें मेल के लिए 32 इंच और एक्सपेंडेड जो होनी चाहिए 32.5। तो ये तो कॉमन सी है, जो SI की तैयारी कर रहे होंगे उन सब की ये चीज़ें तो फिलफिल होंगी ही। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट जो आपका पैट होने वाला है DV के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सभी SI कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने अभी तक अपनी रेस स्टार्ट नहीं किया तो उनको 1600 मीटर रेस इन 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 6 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ये करना चाहिए कि आपको जॉगिंग से स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आप रनिंग करें तो पहले आप 15 to 20 मिनट्स जॉगिंग कर लें। स्टार्टिंग में आपका वार्म अप हो जाएगा, और साथ में फिर आप थोड़ी सी रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपका टाइम नोट करें क्या टाइम आ रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी से। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं, जो हमने कट ऑफ बताया उसमें बिलोंग कर रहे हैं, तब भी आपको इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर आपने पहले भी निकाली है तो। बाकी पुशअप तो आपको 20 निकालने हैं, वो आपको सीधा रनिंग के बाद भी बोल सकते हैं, थोड़ी रेस्ट दे के भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस साथ में करनी चाहिए। और इसमें 1 साइकिल आप डाउन ऐसे करेंगे, आपको अप डाउन अप डाउन ऐसे साइकिल में आपको करेंगे। इसमें आपको ये नहीं है कि एक साथ 20 निकालें, बीच में जब बोलेंगे आप तभी आपको करनी है, और वो 10-10 या 20-20, 50-50 बच्चों का ग्रुप में बुलाएंगे। तो देन फीमेल के लिए बता देता हूँ 1000 मीटर रेस होगी सेम 6.5 मिनट्स में, 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में, और वहाँ पर पुशअप नहीं होगा, वहाँ पर शॉर्ट पुट होगा 4 किलो का 14.5 फीट में 3 अटेम्प्ट्स में पूरा करना है आपको। तो अगर आपको शॉर्ट पुट की नॉलेज नहीं है तो शॉर्ट पुट के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। शॉर्ट पुट एक गेम होती है जिसमें आपको थ्रो करना होता है थोड़ा वेट 4 kg जैसे, तो 14.5 फीट में 14.5 फीट तक। तो देन अगर बात की जाए तो ये तो थी कॉमन जो फिजिकल एंड्योरेंस होगा ये कॉमन के लिए है। बाकी स्पेशल प्रोविज़न जो आपको एज के दी गई है जैसे एक्स सर्विस मैन के लिए, तो उनके लिए 30 ईयर्स के अगर वो हैं तो उनको रेस 30 ईयर्स तक उनकी सेम रहेगी। 30 ईयर्स टू 40 ईयर्स आपको जो 1600 मीटर्स कंप्लीट करने के लिए 7.5 मिनट मतलब 1 मिनट ज़्यादा और 16 पुशअप निकालने होंगे, और अगर आप 40 अबव हैं तो आपको 8.5 मिनट दिया जाएगा और आपको 12 पुशअप निकालने हैं 1 साइकिल अप एंड डाउन। और फीमेल कैंडिडेट्स अगर 30 अबव हैं तो उनको 100 मीटर रेस 6.5 मिनट्स में तक है, और बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई है हमारे चैनल से। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शॉर्ट पुट की बात कर लें, जो 30 तक होंगे उनका सेम रहेगा 30 के अब अगर एज है आपकी, तो लॉन्ग रेस होगी आपकी 100 मीटर्स की 7.5 मिनट्स। तो अगर आप 40 अबव है तो 8.5 मिनट सेम जैसे मेंस के बारे में 1 मिनट बढ़ जाएगा आपका, और शॉर्ट पिट यहाँ पे 12 फीट हो जाएगा अगर आप 30 to 40 ईयर्स के बीच में है, और अगर आप 40 ईयर्स के अबव है तो आपको शॉर्ट पुट 10.5 फीट हो जाएगा। तो ये फिजिकल, अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और इधर ये भी लिखा है कि पर्पस ऑफ दिस रूल इज जो एक्स सर्विस मैन की एक्चुअल एज होगी उसके ऊपर होगा ये, और जो एन ऑल एक्स सर्विस मैन शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब फिजिकल स्टैंडर्ड्स अपार्ट मीटिंग
तो जब आपका पैट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जब आपको सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये देखिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी रेफरेंस विद टू द वैकेंसी, जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा और उनका फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। और ये जेके एसएसबी खुद करेगी, एसएसबी की तरफ से खुद किया जाएगा कंडक्ट। और ये वो जब आपकी रिपोर्ट्स वगैरह, आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, तभी उनको पता चलेगा और तभी वो लास्ट लिस्ट निकालेंगे, जब तक गवर्नमेंट को रेफ़र करेंगे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल के बारे में, और बाकी आपको मैंने इसको पार करने के लिए बता दिया कि आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लें, पुशअप की प्रैक्टिस करें, जैसे आप 2 की स्टार्ट करें, 3 से, 5 से, 10 से, ऐसे ऐसे करते आपका बढ़ जाएंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप शॉर्ट पुट की तैयारी भी स्टार्टिंग से करें, चाहे आप 5 फीट फेंकें या 10 फीट, पर प्रैक्टिस रोज़ करें, थोड़ी थोड़ी, एक बार फेंकें 10 बार, तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। बाकी आपको मैं बता दूं, अगर आपकी जब फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट होगा तब आपको, इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, तो उसके बारे में बता दें। जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या तो वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब उसमें ये नहीं है कि वैकेंसी के हिसाब से मेरिट है, आपको क्वालिफाई करना है सिंपल सा, चाहे सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई कर दें या कोई भी नहीं करे, उनको कोई लेना देना नहीं होगा। और कैंडिडेट को जो होगा वो पेयर होना पड़ेगा PET, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बिफोर द कम्युनिटी। और इसके लिए आपको होम डिपार्टमेंट ने जो कम्युनिटी की होगी उसके आगे प्रिपेयर होना पड़ेगा। और उनको 2 पासपोर्ट साइज, रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स और 1 ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज यूनिवर्सिटी आई कार्ड, एम्प्लॉय आई कार्ड, तो इनमें से एक लेके उनको अपने साथ जाना होगा जब उनका पैट होगा। तो ये थी पैट के रिलेटेड अपडेट, और बाकी हमने कट ऑफ के रिलेटेड अपनी एक वीडियो चढ़ा दी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी आप जाके देखें। और आप अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, अगर आपकी क्वेरी है कोई भी फिजिकल के रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये अपडेट इसलिए मैंने दी थी क्योंकि जो बच्चे अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।